नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड जारी, 21 और 22 सितंबर को परीक्षा। झारखंड सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड jssc.nic.in पर जारी हो चुका है। बता दें कि इस साल कुछ दिन पहले ही उम्मीदवारों को एसएमएस के द्वारा इनके एग्जाम किस शहर में होंगे इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन सेंटर क्लियर नहीं था। अब उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड के जरिए अपना सेंटर जान पाएंगे। बता दें, सबसे पहले आपको jssc.nic.in के वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद jssc सीजीएल 2024 एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड सीजीएल परीक्षा में कुल 2025 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसमें कि सहायक प्रशिक्षक पदाधिकारी के 863 पद हैं। बता दें, सीजीएल परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार पे स्केल तय किया गया है, जैसे कि सहायक शाखा अधिकारी की तनख्वाह 44,900 से 1,42,400 रुपये तक होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस को दिया विशेष ट्रेनिंग। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम के मामले में कन्विक्शन रेट का ग्राफ काफी बुरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है साइंटिफिक एविडेंस का न होना, इसलिए अब महिला पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 50 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो निर्भया शक्ति पुलिस के नाम से राज्य के विभिन्न स्थानों में तैनात किए जा रहे हैं। इनका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ बेहतर अनुसंधान को पूरा करने में पुलिस पदाधिकारी की मदद ये महिलाएँ जवान करेंगी। इसी बीच की महिलाएँ पुलिस पदाधिकारी स्पेशल ट्रेनिंग के बाद अब इन महिला पुलिसकर्मियों को हर जिले के महिला थाना में ड्यूटी किया जा रहा है। नए कानून के लागू होते ही बगैर साइंटिफिक एविडेंस के कन्विक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए झारखंड पुलिस गंभीर है और यही वजह है कि राज्य की लगभग 50 महिला पुलिसकर्मियों का चयन कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई। दुर्गा पूजा पंडाल मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। पुराने विधानसभा परिसर में जारी दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर गतिरोध अब समाप्त हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। हेमंत सोरेन ने अपने आवास में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हामी भरते हुए दुर्गा पूजा को लेकर अपने पूरे सहयोग की बात कही। बता दें, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई थी। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि पुराना विधानसभा मैदान में पहली बार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडाल के लिए HEC से भूमि आवंटित कराई गई है, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं दिए जाने के कारण पूजा के आयोजन में थोड़ी समस्या हो रही है। वहीं पूजा समिति ने पुराने विधानसभा मैदान में पूजा और पंडाल बनाने की अनुमति मांगी और आग्रह किया है कि पूजा के आयोजन में राज्य सरकार सहयोग करे। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। रांची में हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन का निर्देश। रांची में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंगलवार को बारिश रुकने के बाद शाम 7:30 बजे एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। बता दें, रांची के DC राहुल सिन्हा ने सभी मूसलाधार बारिश के मद्देनजर पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। जिले में होने वाली मूसलाधार बारिश से होने वाली आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी सतर्क रहने को कहा। DC राहुल सिन्हा ने जिले में बिजली के तारों पर पेड़ों के गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने, साथ ही बिजली के तार गिरने के कारण अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का सभी इंजीनियरों को भी निर्देश दिया है। उन्होंने विद्युत अभियंता और मिस्त्रियों का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने को कहा है। पतरातू डैम के खोले गए 8 फाटक, घरों में घुसा पानी। झारखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं पतरातू डैम क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार हो रहे बारिश के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें, पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रहा है, जिसके कारण डैम के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश का पानी कई घरों व दुकानों में घुस गया। वहीं पतरातू डैम के लेकर रिजॉर्ट में कई नावें समेत टिकट काउंटर भी डूब गए हैं। मंगलवार अहले सुबह से बारिश बंद होने के बाद यहां का मौसम सुहाना हो गया है। दूर दूर से सैलानी डैम से छोड़े गए पानी को देखने पहुंच रहे हैं। पतरातू डैम का नज़ारा भी बदल चुका है। बता दें, PTPS शेष परिसंपत्ति के पदाधिकारी लगातार डैम पर नज़र बनाए हुए हैं।
शेष परिसंपत्ति के प्रशासक एएसके पांडा ने बताया है कि डैम के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो जरूरत के अनुसार डैम के फाटक की ऊंचाई बढ़ाई व घटाई जा सकती है। वंदे भारत सप्ताह में चार दिन पारसनाथ और डाल्टनगंज होकर चलेगी। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चार दिन डाल्टनगंज और पारसनाथ से चलेगी। दक्षिण रेलवे के आदेश के तहत 20893 टाटा नगर पारसनाथ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। बता दें, टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:30 बजे टाटा नगर से रवाना होकर चांडिल मोरी बोकारो स्टील सिटी गोमो पारसनाथ से कोडारमा गया होते हुए पटना 12:45 पर पहुँचेगी, जबकि डाउन ट्रेन पटना से दोपहर 2:15 बजे रवाना होकर 9:30 बजे टाटा नगर आएगी, जबकि 21893 टाटा डाल्टनगंज पटना वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार को टाटा नगर से चांडिल मोरी बरकाखाना डाल्टनगंज गढ़वा रोड सोननगर गया होते हुए पटना जाएगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच करेगी ईडी। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों की जांच कर रही ईडी अब राज्य में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच करेगी। ईडी ने इस मामले में एक नया केस किया है। ईडी ने यह केस रांची के बरियातू थाना में गत 4 जून को कांड संख्या 188/2024 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया है। पूरा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड बाली रिजॉर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तार तीनों युवतियों की पहचान बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली निप्पी बिरुआ, अमरीन अख्तर व निपा अख्तर के रूप में हुई थी। तीनों ही युवतियों को मनीषा राय नामक की एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था। पलामू में 5 माह पहले बनी पुलिया ध्वस्त। 5 माह पूर्व जिला योजना से विश्रामपुर प्रखंड के मलाह टोली गांव में धनकाई नदी पर बना पुलिया पहली बरसात में ही ध्वस्त हो गया है। नदी की तेज बहाव से लोगों का आना जाना खतरों से भरा पड़ा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो गया है। गाँव के लोग इसके लिए जिम्मेदार विभागीय पदाधिकारी को ठहरा रहे हैं। निर्माण कार्य के क्रम में किसी के द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच में नहीं किया गया और न ही किसी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण। सोन नदी के बीच टीले पर फंसे झारखंड के किसान। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया। इसी बीच झारखंड के हुसैनाबाद में सोन नदी के बीच स्थित टीले पर खेत में काम करने गए सैकड़ों महिला पुरुष बाढ़ के बीच में फंस गए हैं। टीले पर फंसी पूनम देवी ने फोन कॉल पर बताया है कि सभी लोग सोन नदी की धार के बीच में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि हुसैनाबाद के 20 के अलावा बिहार के करीब सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सोन नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से उन्हें वापस लेने कोई नाव नहीं आ सकती। रविवार से ही पुलिस प्रशासन नदियों तालाबों के नज़दीक नहीं जाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद ढीला पर खेती करने वाले लोग चले गए। मंगलवार को अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से सभी फंस गए। इस संबंध में देवरी ओपी प्रभारी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। टीला पर फंसी पूनम देवी ने बताया कि सभी लोग सोन नदी के धारा में खड़े हैं। पानी बढ़ने पर कभी भी वह बह सकते हैं। भाजपा में शामिल होते ही झामो के गढ़ में चंपई सोरेन। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झामो के गढ़ संताल परगना में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। उन्होंने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भाजपा के मुद्दे को धार देते हुए कहा है कि संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। इसे बचाने के लिए इन्हें भागाना जरूरी है। घुसपैठियों के पास बांग्लादेश के साथ साथ झारखंड में अलग अलग पहचान पत्र है, जो काफी गंभीर विषय है। इसकी जांच जरूरी है। धनबाद के टुंडी में दर्जनों घर ध्वस्त, 150 गांव अंधेरे में डूबे। लगातार हो रही बारिश से टुंडी प्रखंड क्षेत्र का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टुंडी व मनियाडीह थाना क्षेत्र में बारिश से लगभग 1 दर्जन घर ढह गए हैं। इसकी चपेट में आकर 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें, दक्षिणी टुंडी की कटनिया पंचायत के मंझली टांड गांव में फूचन रजवार का घर ढह कर पड़ोसी बिजू रजवार की दीवार पर जा गिरा। घर में सोए गृह स्वामी बिजू रजवार, उसकी विवाहिता पुत्री सुनीता देवी, नाती भीम रजवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बारिश की वजह से टुंडी इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बीते 2 दिनों से लगभग 150 गांव अंधेरे की चपेट में हैं। बराकर नदी में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बराकर नदी के बढ़ते जलस्तर की डरावनी आवाज़ निकट क्षेत्र के लोगों को भयभीत कर रही है।
सरायकेला में दो नदियों ने खतरे के निशान किया पार। सरायकेला जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश एवं स्वर्णरेखा खरकई नदियों पर अवस्थित बांधों से पानी को छोड़े जाने के कारण दो नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्वर्णरेखा भवन आदित्यपुर स्थित बाढ़ कोषांग से हर दो दो घंटे के अंतराल पर दोनों नदियों के बहाव के संबंध में आंकड़े जारी कर जिला प्रशासन और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सतर्क किया जा रहा है। शिफ्ट इंचार्ज बाढ़ कोषांग जमशेदपुर के द्वारा 17 सितंबर के पूर्वाह्न 6 बजे जारी आंकड़े के अनुसार स्वर्णरेखा नदी का पानी मानगो पुलिया पर प्रदर्शित खतरे के निशान 121.50 मीटर से ऊपर 122.86 मीटर पर बह रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों का हुआ जुटान। मंगलवार को रांची के ताना भगत स्टेडियम खेल गांव में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की विशेष आम सभा की बैठक आयोजित की गई। संघ के सदस्यों ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन, समयबद्ध प्रोन्नति, झारखंड नॉन SC/ST की उपसमाहर्ता की समतुल्यता आदि विषयों पर चर्चा की। झासा की अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रम ने संघ द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि संघ की शक्ति एकता में ही निहित है, इसलिए बड़ा कैडर होने के चलते स्वाभिमान मत भिन्नता के बावजूद हमें हर परिस्थिति में एकता प्रदर्शित करनी होगी। नेतरहाट घाटी में लैंडस्लाइड, 6 घंटे जाम रहा रांची रोड। गुमला के बिष्णुपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरा प्रखंड क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है, जनजीवन परेशान है। मूसलाधार बारिश के कारण नेतरहाट घाटी में मंगलवार सुबह 8 बजे लैंडस्लाइडिंग हुआ, साथ ही सड़क पर कई जगह विशाल पेड़ के गिर जाने से 6 घंटे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बता दें, लैंडस्लाइडिंग की सूचना पर गोदरी थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचकर राहगीर व ट्रक चालकों के सहयोग से सड़क पर गिरे पत्थर व मिट्टी हटाकर आवागमन सुचारू कराया। फिर भी लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण घाटी से गुजरने में अब भी डर बना हुआ है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकता है। पूर्वी सिंहभूम में धान की खेती बर्बाद। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से गालूडीह डैम का पानी छोड़ना पड़ा है। नतीजा यह हुआ है कि अब स्वर्णरेखा नदी एवं रांगड़ो नाला का जलस्तर बढ़ने से पानी उफान मार रहा है। स्वर्णरेखा नदी किनारे बसे चित्रेश्वर, रांगुनिया, पचांदो आदि जगहों पर नदी का पानी घुसते ही लगभग 65 एकड़ फसल धान के खेत पूरी तरह डूब गए, जिससे धान की फसल बर्बाद होने के आसार दिखाई पड़ने लगे हैं। बारिश का आलम यह है कि कुमार डूबी पंचायत लोग अपने घरों में कैद रहने को विवश हैं। इस गांव में रहने वाले खाने के लिए भी तरस रहे हैं। बता दें, चित्रेश्वर, रांगुनिया, पचंदो क्षेत्र के किसानों ने मशीन से धान की पटवनी कर धान रोपनी किया था। लगातार बारिश होने से स्वर्णरेखा नदी का पानी बढ़ गया, जिससे रांगुनिया, चित्रेश्वर, बाघा कोल्ही गांव के क्षेत्र में पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच गया है। नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए वर्ष 2024 में होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन सिंह ने कहा है कि अभिभावकों की मांग पर नवोदय विद्यालय समिति ने चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 23 सितंबर तक विस्तारित कर दी गई है। इससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 16 जुलाई से 16 सितंबर तक निर्धारित था। अगर आपने भी अब तक अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। झारखंड NDA में सीट बंटवारा कठिन, फंस रहा है पेच। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अब भी NDA और इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ पाया है। सभी दल अपने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। बता दें, NDA की सुदेश महतो की आशु पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, जबकि जदयू, लोजपा और NCP भी NDA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चारों दलों का गठबंधन होता है तो फिर सीट बंटवारे का मसला सुलझाना आसान नहीं होगा। विधानसभा की दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर पेच फंस रहा है। इन सीटों पर गठबंधन में शामिल होने वाले 2 या इससे अधिक दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, शुरुआती गांडे विधानसभा सीट 2024 की बात करें तो यहाँ उपचुनाव में भाजपा आयसू के गठबंधन में पेच फंस गया था। आयसू यहां से अपने नेता अर्जुन बैठा को प्रत्याशी बनाना चाहती थी, जबकि भाजपा ने
दिलीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। अमित शाह का साहेबगंज दौरा 20 को परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड में विधानसभा को देखते हुए पार्टी स्तर पर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट प्रखंड अंतर्गत भोगनाडीह में परिवर्तन रैली का आगाज करने 20 सितंबर को साहेबगंज आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ अमर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने एवं उनके वंशजों से मिलने के बाद परिवर्तन रैली रथ को रवाना करेंगे। इसके बाद वे जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देवघर में पीएम के बर्थडे पर चला स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय टावर चौक पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई की है। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज से भाजपा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चला रही है जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस अभियान में देश के सभी लोगों को जोड़ने के लिए आग्रह किया है ताकि आपके आसपास गंदगी न फैलाए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे, इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। लगातार बारिश से रातू में डायवर्सन बहने से पलामू रांची का संपर्क टूटा। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही है। मंगलवार को डाल्टनगंज और रांची को जोड़ने वाला NH-75 रातू के मुर्गू के पास बनाया गया डायवर्सन तेज बारिश से टूट गया है। इससे रांची और पलामू का संपर्क बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक लातेहार और पलामू की ओर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए बॉम्बे चौक के पास बैरिकेटिंग लगाकर ठाकुर गांव की ओर भेजा जा रहा है। वहीं रांची से आने वाले बड़े वाहनों को काठी टाँड चौक के पास से बैरिकेटिंग लगाकर हाजी चौक बिजुलिया पाली ब्राह्मे की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। पलामू DC SP को समन, बैठक में शामिल नहीं होने का मामला आशा लकड़ा। पलामू में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर DC SP और DFO को समन जारी किया गया है। आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने समन जारी कर 20 तारीख को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। दोनों अधिकारियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा पलामू दौरे पर हैं। वहां उन्होंने समाहरणालय सभागार में बैठक बुलाई थी। बैठक में जिले के DC SP और DFO शामिल नहीं हो सके। हालांकि पलामू जिला पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के बाद आशा लकड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जिला के 3 वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए, यह गंभीर मामला है। उन्होंने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा है कि तीनों अधिकारियों को समन भेजा जाएगा। कांग्रेस का मैया समन 22 सितंबर को। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मैया समन योजना की चर्चा चारों तरफ हो रही है। झामो जहां हर विधानसभा में प्रचार कर रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आगामी 22 सितंबर को ITI बस स्टैंड बजरा के जनता मैदान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उक्त जानकारी कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दी है। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से हजारों महिलाओं की भागीदारी होगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महिलाओं को लाभ हो रहा है या नहीं। हमें आप कमेंट बॉक्स पर अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।